नमस्कार प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप कुशल मंगल होंगे, अपनी सेहत और अपनी पढ़ाई का खूब ध्यान रख रहे होंगे। आज की इस वीडियो का बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी। आपने सुना होगा, लोग कहते हैं बीत गई सो बात गई, चलो शुरू करते हैं कोई बात नहीं। पर क्या हमारा बीता हुआ कल हमारे आज से किसी तरह से भी जुड़ा हुआ नहीं है? शायद गलत होगा ये कहना, क्योंकि हमारा बीता हुआ कल हमारे आज को एक पृष्ठभूमि देता है। इसी पर चर्चा करने के लिए आज हम कक्षा 6 के इतिहास की पुस्तक का पहला अध्याय करेंगे, क्या, कब, कहां और कैसे। तो चलिए पढ़ते हैं। इस साल तुम छठी कक्षा में इतिहास पढ़ोगे। इतिहास समाज विज्ञान का हिस्सा माना जाता है। समाज विज्ञान हमें अपनी सामाजिक दुनिया की कार्य प्रणाली को समझने में मदद करता है। इतिहास बताता है कि आज की दुनिया कैसे विकसित हुई। यह हमें वर्तमान के अतीत के बारे में बताता है। आपकी पुस्तक में एक रशीदा नाम की लड़की का जिक्र किया गया है, जो घर पर बैठे अखबार को पढ़ रही थी। अचानक रशीदा की निगाहें एक सुर्खी पर पड़ी जो 100 साल पहले की थी। वह सोचने लगती है कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। अब हम रशीदा के इस सवाल का पता लगाएंगे कि हम अतीत के बारे में कैसे जान सकते हैं। यह जानना बहुत आसान होता है कि कल क्या हुआ था। कल के बारे में हम रेडियो पर सुन सकते हैं, टेलीविजन पर देख सकते हैं या फिर अखबारों में पढ़ सकते हैं। पिछले साल क्या हुआ था, इसके बारे में भी हम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हैं जिसे उस समय की स्मृति हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था, यह हम कैसे जान सकते हैं? हम अतीत के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं, जैसे लोग क्या खाते थे, वह कैसे कपड़े पहनते थे, किन किन घरों में रहते थे। हम शिकारियों, पशुपालकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियां हासिल कर सकते हैं। आधुनिक भारत दक्षिण एशिया में आता है। इसके साथ बच्चों, दक्षिण एशिया में आधुनिक भारत के अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका आता है। अफगानिस्तान, ईरान, चीन तथा म्यांमार दक्षिण एशिया के पड़ोसी देशों को दर्शाता है। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे उपमहाद्वीप कहा जाता है। अब हम यह पता लगाएंगे कि प्राचीन काल में कई लाखों वर्ष पहले लोग कहाँ रहते थे, किन फसलों को उपजाते थे, किन पशुओं को पालते थे और लोगों ने कौन कौन से नए नगर बसाए थे। आपकी पुस्तक में भारत के मानचित्र को दर्शाया गया है। इस मानचित्र में भारत में बहने वाली नदियों तथा पर्वत श्रृंखलाओं को दर्शाया गया है। आपकी पुस्तक में दिए गए मानचित्र में नर्मदा नदी के बारे में बात करेंगे। नर्मदा नदी को रीवा नदी के नाम से भी जाना जाता है। इससे पहले नर्मदा नदी का नाम नर्मदा था। नर्मदा नदी भारत के मध्य में बहती है। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा भी कहा जाता है। कई लाख वर्ष पहले लोग इस नदी के किनारे पर रहते थे।
यहाँ पर रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे, जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए ये लोग जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का संग्रह किया करते थे। यहाँ के लोग जंगलों में शिकार भी किया करते थे। अब हम मानचित्र में दिए गए उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों की बात करेंगे। सुलेमान पर्वत दक्षिण पूर्वी अफगानिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के उत्तर भाग में स्थित एक प्रमुख पर्वत श्रृंखला है। सुलेमान पर्वत ईरान के पठार का पूर्वी छोर है और भौगोलिक रूप से उसे भारतीय उपमहाद्वीप से विभाजित करते हैं। इस श्रृंखला के सबसे प्रसिद्ध शिखर बलूचिस्तान में स्थित हैं। सुलेमान श्रृंखला से क्षेत्र की दो मुख्य नदियां निकलती हैं, डोरी नदी और गोमल नदी। किरथर पर्वत सिंध तथा बलूचिस्तान में झालावान क्षेत्र की सीमा पर स्थित एक पर्वत श्रेणी है। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां 8000 वर्ष पूर्व यहां के लोगों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। इन लोगों ने भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालना शुरू किया। यह लोग अक्सर गांव में रहते थे। अब हम मानचित्र के उत्तर पूर्वी में गारो पहाड़ियां और मध्य में विंध्य पहाड़ियों पर चर्चा करेंगे। गारो पर्वत भारत के मेघालय राज्य में छोटे पहाड़ों की श्रृंखला है, जिसके अंतर्गत मेघालय के 3 जिले आते हैं, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी गारो हिल्स। यह मेघालय में गारो खासी श्रृंखला का हिस्सा है। यहाँ मुख्य रूप से आदिवासी बसते हैं, जिनमें से मुख्यतः गारो लोग हैं। शिलोंग मेघालय की राजधानी इन्हीं पर्वतों में स्थित है। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला भारत के पश्चिम मध्य में स्थित प्राचीन गोलाकार पर्वतों की श्रृंखला है, जो भारत उपखंड को उत्तरी भारत व दक्षिणी भारत में बांटती है। विंध्याचल का मतलब है विंध्य जमा आचल, विंध्य पर्वत। यह ऐसे क्षेत्र थे जहां कृषि का विकास हुआ, जहां सबसे पहले चावल उपजाया गया। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित हैं। अब हम मानचित्र में दी गई सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों पर चर्चा करेंगे। सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो नदी एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। सिंधु नदी एशिया की सबसे बड़ी नदियों में से एक है। यह पाकिस्तान, भारत, भारत में जम्मू और कश्मीर और चीन, जिसमें पश्चिमी तिब्बत शामिल है, उसके माध्यम से बहती है। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर के निकट सिनका बाबा नामक जलधारा माना जाता है। यहां से यह नदी तिब्बत और कश्मीर के बीच बहती है। नंगा पर्वत के उत्तरी भाग से घूमकर यह दक्षिण पश्चिम में पाकिस्तान के बीच से गुजरती है और फिर जाकर अरब सागर में मिल जाती है। इस नदी का ज्यादातर अंश पाकिस्तान में ही प्रवाहित होता है। यह पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी और राष्ट्रीय नदी है। सिंधु की 5 उपनदियां हैं। इनके नाम हैं वितस्ता, चंद्रभागा, इरावती, विपासा, शत्रु, जिसे सतलुज के नाम से भी जाना जाता है। ये 5 उपनदियां हैं। इनमें शत्रु सबसे बड़ी उपनदी है। सतलुज नदी पर बना भाखड़ा नंगल बांध के द्वारा सिंचाई एवं विद्युत परियोजना को बहुत सहायता मिली है। इसकी वजह से पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश में खेती ने वहां का चेहरा ही बदल दिया है। यहाँ जो हम पंजाब के हिस्से की बात कर रहे हैं, ये वो पंजाब है जो भारत में है। वितस्ता, जिसे झेलम के नाम से भी जाना जाता है, इस नदी के किनारे श्रीनगर स्थित है।
इन नदियों के किनारे 4700 वर्ष पूर्व कुछ आरंभिक नगर फले फूले भी। अब हम मानचित्र में दी गई गंगा नदी और उसकी सहायक नदी सोन नदी पर चर्चा करेंगे। गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। यह भारत और बांग्लादेश की दूरी तय करती हुई उत्तराखंड में हिमाचल से लेकर बंगाल की खाड़ी के सुंदरबन तक विशाल भूभाग को सींचती है। देश की प्राकृतिक संपदा ही नहीं, जन मन की भावनात्मक आस्था का आधार भी गंगा नदी में छिपा है। सामाजिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण गंगा का यह मैदान अपनी घनी जनसंख्या के कारण भी जाना जाता है। सोन नदी भारत के मध्य भाग में बहने वाली एक नदी है। यमुना के बाद यह गंगा नदी की दक्षिणी उपनदियों में से सबसे बड़ी नदी है। यह मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में अमरकंटक के पास उत्पन्न होती है, जो विंध्याचल पहाड़ियों में नर्मदा नदी के स्रोत स्थल से पूर्व में स्थित है। यह उत्तर प्रदेश और झारखंड राज्यों में गुजरकर बिहार के पटना जिले में गंगा नदी में विलय हो जाती है। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र के तट के इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का चित्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था, जिसको आज हम बिहार के नाम से जानते हैं। इस क्षेत्र के शासक बहुत शक्तिशाली होते थे। अब हम बात करेंगे कि हमारे देश का नाम इंडिया या भारत कैसे पड़ा। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानी और यूनानियों ने सिंधु को हिंदौस अथवा इंदौस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक कृति ऋग्वेद में मिलता है। अब हम बात करेंगे कि हम अतीत की जानकारी कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। यह पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती हैं। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मेन्यूस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेन्यू, जिसका अर्थ हाथ से निकला है। यह पांडुलिपि प्राय ताड़ पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोज पत्र पर लिखी मिलती है। ताड़ पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ आपकी पुस्तक में दर्शाया गया है। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए उस समय के लोग ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया करते थे। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया था तथा कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध हैं। पुराने समय की पांडुलिपियां हमें मंदिर और विहारों से मिलती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इसके अलावा हमारे यहाँ पर महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में हैं। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसे कठोर सतहों पर पाए जाते हैं। कभी कभी पुराने समय के शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण कराते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें तथा उसका पालन कर सकें। पुराने शासक ऐसे पत्थर और धातु का प्रयोग
लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा करने के लिए करते थे। आपकी पुस्तक में एक अभिलेख का चित्र दिया हुआ है। यह अभिलेख 2250 वर्ष पुराने अभिलेख से मिलता है, जो वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा आर्मेनिक नामक दो भाषाओं में है। चलिए अब जानते हैं एक पांडुलिपि और अभिलेख में क्या अंतर होता है। सबसे पहला अंतर आता है इनकी विशेषता में। पांडुलिपि ऐसा दस्तावेज है जो हाथ से लिखा जाता है। अभिलेख किसी पत्थर या चट्टान पर खोदी गई लिखित रचना को कहते हैं। पांडुलिपियां नरम सतह जैसे ताड़ के पत्ते, भुर्ज, वृक्ष की छाल, कागज, ताम्रपत्र पर लिखा जाता है, जिसका संरक्षण मुश्किल होता है। परंतु वहीं अभिलेख कठोर सतहों पर लिखे जाते हैं, जैसे कि चट्टानों, पत्थर, गुफाओं, खंबे आदि। इसलिए यह टिकाऊ है और संरक्षण के लिए कोई विशेष प्रयास की आवश्यकता नहीं होती। पांडुलिपियों के कुछ उदाहरण हैं वेद, पुराण, अभिजान शकुंतलम, संगम साहित्य तथा कौटिल्य का अर्थशास्त्र। वहीं अभिलेखों के उदाहरण हैं अशोक शिलालेख, इलाहाबाद स्तंभ, बोधगया का महानमन शिलालेख, दिल्ली का लोह स्तंभ आदि। हमें कई वस्तुएं ऐसी भी मिलती हैं जो अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तु का अध्ययन करने वाले पुरातत्वविद कहलाते हैं। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वह औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट ना होने वाले होते हैं। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां ढूंढते हैं। इनसे उन्हें यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार स्तोत्र शब्द का, जैसे कि पशुपालकों तथा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों से भिन्न था, व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। हम जानते हैं कि उस समय भी देश के अलग अलग क्षेत्रों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। जैसे कि आज भी हम अंडमान द्वीप के लोगों की बात करेंगे तो वहाँ के लोग आज भी अपना भोजन मछलियाँ पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए उन व्यक्तियों पर निर्भर रहते हैं। इसके अलावा इतिहास में एक अलग ही भेद है। उस समय शासक अपनी विजय का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम इतिहास में उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफी कुछ जानते हैं, जबकि आम लोगों की जिंदगी जैसे शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषि तथा पशुपालक जैसी अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है, लेकिन हम इनके बारे में बहुत कुछ जान नहीं पाते। परंतु बहुत कुछ जानना चाहते हैं और बहुत कुछ जानना शेष रह जाता है। इस पाठ के अंत में एक अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने की प्रक्रिया है। इस प्रकार से अज्ञात लिपि को जानने की एक प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीकी देश
मिश्र से मिलती है। लगभग 5000 वर्ष पूर्व यहाँ राजा रानी रहते थे। मिस्र के उत्तरी तट पर रोजेटा नाम का एक कस्बा है। यहाँ से एक ऐसी उत्कीर्णित पत्थर मिला है जिस पर एक ही लेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं तथा लिपियों में लिखा है। इन लिपियों में से यूनानी तथा मिस्री लिपि के 2 प्रकार हैं। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे। यहाँ राजाओं तथा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं। इसे कारतूश कहा जाता है। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी तथा मिश्री संगीतों को अगल बगल रखते हुए मिश्री अक्षरों की समानार्थक ध्वनियों की पहचान की। जैसा कि आप देख सकते हैं कि चित्र में एल अक्षर के लिए शेर तथा ए अक्षर के लिए चिड़िया के चित्र बने हैं। एक बार जब उन्होंने यह जान लिया कि विभिन्न अक्षर किन के लिए प्रयुक्त हुए हैं, तो वह आसानी से अन्य अभिलेखों को भी पढ़ सकते थे। हमारी चर्चा का विषय आज यहीं समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अपने कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। सवाल और जवाब का दौर चला है, तो चलिए जानते हैं हमने आज के अध्याय से क्या सीखा। पांडुलिपियों तथा अभिलेखों में एक प्रमुख अंतर बताइए। पांडुलिपि, यह पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती हैं। यह पांडुलिपि प्राय ताड़ पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले बुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती हैं। अभिलेख, ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसे कठोर सतहों पर लिखे जाते हैं। चलिए अब थोड़ा सा सही मिलान कर दीजिए। नर्मदा घाटी, मगध, गारो पहाड़ियां, सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां, गंगा घाटी। नर्मदा घाटी जुड़ी है आखेट तथा संग्रहण से। मगध लगभग 2500 वर्ष पूर्व के नगर के रूप में जाना जाता है। गारो पहाड़ियां आरंभिक कृषि के लिए जानी जाती हैं। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां इनके प्रथम नगरों के लिए जानी जाती हैं। गंगा घाटी पहला बड़ा राज्य। चलिए अब आप मुझे बताइए कि कृषि का आरंभ कब हुआ। बिल्कुल सही जवाब, कृषि का आरंभ 8000 वर्ष पूर्व हुआ। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर कब बने। बिल्कुल सही, सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर 4700 वर्ष पूर्व बने। आज का आखिरी सवाल, गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा राज्य कब बना। बिल्कुल सही, गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा राज्य 2500 वर्ष पूर्व बना। इसी के साथ हमारा आज का अध्याय समाप्त होता है। हम जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए तथा पढ़ते रहिए। नमस्कार।